स्टूडेंट वेलकम टू द टीसन फैमिली क्लास सेकंड। आज हम अपनी नीलमणि पाठ्य पुस्तक नीलमणि बुक में से चैप्टर नंबर 11 जो कि सूझबूझ एक कहानी है का अध्ययन करेंगे। इसमें आपको बताया गया है कि बुद्धि का प्रयोग करके हर संकट से छुटकारा पाया जा सकता है, किंतु लापरवाही से हम संकट में फंस जाते हैं। इस कहानी से यह स्पष्ट होता है। तो ये जो कहानी है इससे हमको यही पता लगेगा कि जब भी कोई संकट आ जाता है तो उसे घबराना नहीं है, कोई भी लापरवाही नहीं बरतनी है और हमको सोच समझकर कार्य कर लेना है। ठीक है, तो हम चैप्टर का अध्ययन करते हैं। एक सरोवर में तीन मछलियाँ रहती थी। वे तीनों मित्र थी, लेकिन उनका जो स्वभाव अलग अलग था। पहली मछली बहुत समझदार थी। वह बिना सोचे समझे कुछ नहीं करती थी। यानी कि तीन मछलियाँ थी, तीनों फ्रेंड्स थी और सबके जो व्यवहार था, स्वभाव था, वो अलग अलग था। जो पहली मछली थी वो जो भी कार्य करती बहुत सोच समझ कर करती थी, और जो दूसरी मछली थी वह भी सब कार्य सूझबूझ से करती थी। वो पहले से तो नहीं उसको सोचती समझती थी, लेकिन अगर कोई प्रॉब्लम आ जाती थी तो उसका जो हल है वो सोच समझ कर उसका जो हल निकाल लेती थी, किंतु उसे ज़्यादा सोच विचार करना अच्छा नहीं लगता था। भी कोई भी प्रॉब्लम आ रही है तो अब होते हैं ना, पहले से ही सोचने लग जाते हैं कि हाँ ये तो ऐसा हो रहा है तो अब क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए। तो ये जो मछली थी, सेकंड नंबर वाली जो मछली थी, वो सूझबूझ से अपना कार्य कर लेती थी, ज़्यादा सोच विचार नहीं करती थी। परंतु इनमें जो तीसरी मछली थी वो बिल्कुल ही मस्त मौला थी। उसे पानी में उछल कूद करने में बड़ा मज़ा आता था। उसका मानना था कि सोच विचार करना व्यर्थ है, जब जो होना होता है वह तो होकर ही रहता है। यानी कि जो थर्ड नंबर की जो मछली थी वो क्या थी, अपने मस्ती में जीवन जीती थी। उसको पानी में अटकेलियाँ करना, उसमें उछल कूद करना उसको बहुत पसंद था और वह मज़े से अपनी ज़िंदगी जीती थी। उसको कोई सोच विचार नहीं करना था। वो सोचती थी कि सोच विचार करना बिल्कुल बेकार है, यानी कि नीति है कि जो होना है वो तो होकर ही रहेगा, उसे सूझबूझ से भी रोका नहीं जा सकता। एक दिन दो मछुआरे उस सरोवर पर आए। अब जिस सरोवर में ये तीनों मछलियाँ रहती थी, तीनों फ्रेंड्स रहती थी, वहाँ पर क्या आ गए, दो मछुआरे आ गए। उनमें से एक मछुआरे ने दूसरे से कहा, देखो देखो यहाँ कितनी सारी मछलियाँ हैं। अब जब मछुआरे ने देखा कि ये हम सरोवर के पास से गुजर रहे हैं और ये वाह, क्योंकि थर्ड नंबर वाली मछली थी वो खूब उछल कूद करती थी, उसकी वजह से उन दूसरी मछलियों पर भी उसका ध्यान चला गया है ना। तो उसने अपने जो साथ में दूसरा मछुआरा आ रहा था उसको बताया कि देखो देखो इस सरोवर में तो कितनी सारी मछलियाँ हैं। दूसरे ने मछलियों को देखकर कहा, काश आज हम अपना जाल साथ लाए होते। अरे वाह, यहाँ तो बहुत सारी मछलियाँ हैं, अच्छा होता कि हम अपना जाल भी अपने साथ ले आए होते। वे अगले दिन आकर मछलियाँ पकड़ने की बात कहकर चले गए। उन्होंने एक दूसरे से कहा कि ठीक है, आज नहीं तो कल हम ये मछलियाँ यहाँ से पकड़ लेंगे, और ये कहकर वो वहाँ से चले। अब तीनों मछलियाँ जो थी उन मछुआरों की बातें सुन रही थी। अब मछलियाँ उछल कूद तो कर रही थी, क्योंकि तीसरी मछली थी उसी को उछल कूद करना ज़्यादा पसंद था। जो दो पहले नंबर वाली मछली और सेकंड नंबर वाली जो मछली थी वो सोच समझ कर सूझबूझ से सारे काम करती थी। अब जब कोई बात करेगा तो सुनने में तो आएगी ना, तो उन मछलियों ने भी उनकी बातें सुन ली। पहली मछली ने स्थिति पर विचार करते हुए कहा, अब पहली मछली ने जब सुना कि ये अगले दिन आकर हम सबको जाल में पकड़ कर ले जाएंगे, तो उसने सोच लिया कि हमें शीघ्र ही नहर के रास्ते दूसरे सरोवर में चले जाना चाहिए। तो दूसरी मछली बोलती है
तुम्हें तो चिंता करने की आदत हो गई है। अब सेकंड नंबर वाली जो मछली थी उसको सूझबूझ से कार्य करना तो अच्छा लगता था, लेकिन एकदम से कोई भी बात पता लगे उसी समय उस पर सोच विचार करना उसको अच्छा नहीं लगता था। तो वो कहने लगे कि तुमको तो आदत हो गई, कोई भी बात होती है झट से सोच विचार करने लग जाती हो, चिंता में पड़ जाती हो, है ना। तो मछुआरे अभी थोड़ी आ रहे हैं, मछुआरे अभी तो नहीं आ रहे हैं, जब वह आएंगे तो कोई उपाय सोच लेंगे। अब तीसरी मछली दोनों की बातें सुनकर जोर से हंसी और बोली। अब जो थर्ड नंबर वाली मछली थी वो तो मस्त मौला थी, है ना। उसको तो कोई भी बात अच्छी नहीं लगती थी, ना उसको सूझबूझ से काम करना अच्छा लगता था, ना उसको सोच विचार करना अच्छा लगता था। अब वो उन दोनों की बातें सुनकर उन पर हंसी करते हुए बोली, तुम दोनों का कोई जवाब नहीं, मैं तो जीवन भर इस सरोवर में रही हूँ, यही मेरा घर है, मैं यहाँ से क्यों जाऊं, जो होना होगा देखा जाएगा। अब थर्ड नंबर वाली मछली थी वो पहले से ही ऐसी थी, उसको सोच विचार अच्छा लगता नहीं था, वो भगवान के भरोसे थी, जो होना है होकर ही रहेगा, हो जाने दो। अब पहली मछली समझदार थी, वह जानती थी कि इसे समझाने का कोई भी लाभ नहीं है। वह उसी समय नहर के रास्ते दूसरे सरोवर में चली गई। अब ना सेकंड नंबर वाली मछली सोचना समझ रही है, ना थर्ड नंबर वाली मछली समझ रही है। तो जो फर्स्ट नंबर वाली मछली है उसने सोचा ये तो दोनों ऐसे ही रहेंगी, अपना काम क्या है कि अपना काम जो करना है वो कर लो। उसने क्या किया, वो उसी समय नहर के रास्ते होते हुए दूसरे सरोवर में चली गई। अब दूसरे दिन मछुआरे जाल लेकर सरोवर के पार आ गए। अब मछुआरों का क्या काम होता है, जहाँ उनको मछली दिखेगी वो तो मछली पकड़ेंगे और जाकर बेचेंगे और अपनी आजीविका कमाएंगे, है ना। अब जब फर्स्ट डे वो देख कर चले गए हैं कि यहाँ पर बहुत सारी मछलियाँ हैं, तो 101% कि वो वहाँ आएंगे ही आएंगे। अब सेकेंड डे वो मछुआरे तो वहाँ आ गए, उन्होंने पानी में जाल फेंका, बहुत सारी मछलियाँ जाल में फंस गई, इनमें वे दो मछलियाँ भी जाल में आ गए। अब फर्स्ट नंबर वाली मछली तो चली गई थी, अब क्या हुआ, जब मछुआरों ने जाल फेंका तो उस सरोवर में बहुत सारी मछली थी, बहुत सारी मछलियाँ तो आई आई, साथ में ये दोनों मछलियाँ भी उस जाल में फंस गई। अब दूसरी मछली सूझबूझ वाली थी, वो सोच समझ लेती थी, है ना। उसने तुरंत एक उपाय सोच लिया, अब जाल में तो फंस गए हैं लेकिन बाहर निकलने का भी तो कोई रास्ता होना चाहिए, है ना, जाल में से ऐसे तो निकल नहीं सकते। अब उसने क्या किया, उसने अपना शरीर को ऐसा बना लिया कि जैसे वह मर गई हो। मछुआरों ने दूसरी मछली को मरी हुई मछलियों के साथ उसे भी एक और फेंक दिया, निकाला जाल में से एक और फेंक दिया। अब उनको नहीं मालूम है कि ये मछली तो जानबूझकर ऐसा कर रही है ना, क्योंकि वो मरी हुई मछली तो लेंगे नहीं, तो जो मरी हुई मछलियाँ थी उसके साथ साथ उस मछली को भी बाहर निकाल दिया। अब वो जो मछली थी जो जिंदा थी और अपने आप को मरा हुआ दिखा रही थी, अब उसने क्या किया, वह मछुआरों की नज़र को बचाकर धीरे धीरे खिसकते खिसकते कहाँ पहुँच गई, सरोवर में। क्यों, मछलियाँ बिना पानी के तो जी नहीं सकती है ना, उनको जीने के लिए पानी तो चाहिए। तो वो धीरे धीरे सरकते हुए पानी में पहुँच गई और पानी का स्पर्श पाते ही उसकी जान में जान आ गई, है ना। और वह तेज़ी से तैरते हुए सरोवर के दूसरे किनारे पर चली गई कि कहीं ऐसा नहीं हो कि इस उसमें मेरे को मछुआरे देखें और कहीं दोबारा से पकड़ कर फिर ना ले जाए। तो वो उसने क्या किया, जल्दी से वो पानी में गई और तैरते तैरते ये सरोवर के दूसरे किनारे चली गई। अब तीसरी मछली, उसको ना तो सोचना समझना अच्छा लगता था, ना उसको कोई सूझबूझ थी, अब वो क्या करे। अब जो तीसरी मछली थी वो सोचने समझने की आदत तो थी ही नहीं, है ना, अचानक आई मुसीबत का सामना वह कैसे करे। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि अब क्या करना है क्या नहीं करना है, क्योंकि सोचना विचारना कभी सोचा नहीं, सूझबूझ से काम करना आता नहीं, अब क्या करना है। वह जाल से बाहर आने के लिए उछल कूद करने लगे। उसने अभी यह नहीं सोचा कि मैं शांति से बैठ जाऊँ तो मेरे को मरा हुआ जानकर बाहर निकाल देंगे, लेकिन वो तो जाल में भी उछल कूद कर रही है।
अब मछुआरे का ध्यान उसकी ओर गया तो उन्होंने उसे पकड़कर अपनी टोकरी में डाल लिया। अब ये तो उछल कूद ज़्यादा ही कर रही है, जिंदा है, चलो इसको भी टोकरी में डालो और ले चलो। दूसरी मछली ने उसे दूर से ही तड़प तड़प कर मरते हुए देखा। अब उसको पानी तो मिला नहीं मछली को, है ना, और बिन पानी मछली का जीवन नहीं होता है। जैसे पोयम भी है, मछली जल की रानी है ना, यानी वो पानी में ही रहती है, जल में ही रहती है। अब उसने जो सेकंड नंबर वाली मछली थी, जब उसने देखा कि उसकी जो तीसरे नंबर वाली फ्रेंड है, तीसरे नंबर वाली उसकी सखी है, वो तो तड़प तड़प कर मर रही है, तो उसने मन ही मन कहा, काश इसने भी बुद्धि का प्रयोग करना सीख लिया होता तो इस संकट से वह भी हमारी ही तरह बच जाती। अब पहली मछली ने तो दूसरी तालाब में जाकर, दूसरे सरोवर में जाकर अपने आप को बचा लिया। सेकंड नंबर वाली मछली सोच समझ वाली थी, सूझबूझ से काम करती थी, उसने सूझबूझ से अपने को बचा लिया। लेकिन जो थर्ड नंबर वाली मछली थी, वो ना तो सोचने समझने की शक्ति रखती थी और ना ही सूझबूझ से काम करना जानती थी, तो उसने अपने आप को संकट में डाल लिया और अपना जीवन खो दिया। तो आपको कैसी स्टोरी लगी है बच्चों? आपको ये स्टोरी पसंद आई होगी, ठीक है। अब आप भी इसे पढ़ें और इस स्टोरी का आनंद लें, और इसको लर्न भी करना है। पीडीएफ में क्वेश्चन आंसर आए हैं, पूरे इसके बुक एक्टिविटी भी आई है, सो आप इसको ध्यान से पढ़ेंगे और इसको लर्न करेंगे। थैंक यू स्टूडेंट्स।